आज हम बनाएंगे कुछ अलग हटके हाई प्रोटीन रेसिपी। ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत हेल्दी है। एक कप चावल, सेम कप का आधा कप चना दाल। जो जिस कप से हमने चना दाल डाला है उसका आधा कप मूंग दाल। फोर टेबल स्पून मसूर दाल। टू टेबल स्पून उड़द दाल बिना छिलके वाली। वन टेबल स्पून राजमा। टू टेबल स्पून दलिया। फोर टेबल स्पून मूंगफली, कच्ची मूंगफली। फोर टेबल स्पून अरहर दाल। वन टेबल स्पून बादाम। दाल आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिर भी मैंने कितना क्वांटिटी लिया है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसे अच्छे से दो से तीन पानी से वॉश करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे बाद देखिए अच्छे से ये सोख हो चुका है, फूल गया है और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें बस डालेंगे नमक और आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। लोहे के तवे पे बनाएंगे तो लोहे के तवे को पहले हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे, फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस तरह से पानी और तेल का मिश्रण बना लेंगे और तवे पे डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसे टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इस टाइम, क्योंकि तवा हमारा हाई गर्म हो चुका है और जो हमने घोल बनाया था उसे हम कॉटन कपड़े से लगा देंगे तवे पे ताकि तवा नॉर्मल हो जाए। इस पे बैटर डाल के हम फैला देंगे। अभी गैस का फ्लेम ऑन करके लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक। और थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी साइड से लगा देंगे। देखिए इजली निकल गया। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत हाई प्रोटीन रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसका चीला भी बना सकते हो, डोसा भी बना सकते हो और इडली भी बना सकते हो। मैंने टमाटर चटनी के साथ सर्व किया।